बाप के भरोसे नहीं रहा पाकिस्तान, खड़ा हुआ अपने कदमों पर। एक दौर था जब लगा पाकिस्तान नहीं आएगा सेमीफाइनल के दौर पर, अब पीछे पीछे दिख रहा है पाकिस्तान। इंडिया वालों के लिए है खुशखबरी, क्योंकि पाकिस्तान भिड़ेगा न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड और भारत का आंकड़ा कुछ 19-20 का रहा है और पाकिस्तान भारत की चिंता दूर करेगा। क्या फिर भिड़ेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान? होने वाले सेमीफाइनल के दौर पर भारत और इंग्लैंड आमने सामने दिखेंगे, वहीं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने दिखेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा कि क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये मैच अगर ऐसा होता है तो बहुत ही मनोरंजन होगा, पूरे देश की नज़र है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला आर और पार का रहेगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी बिल्कुल ही फ्लॉप चल रहे हैं। रोहित, रिजवान और बाबर के बैटों से स्कोर नहीं निकल रहा है। ऐसे में इन दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर ही संकट मोचन बन चुकी हैं और इन्हीं के भरोसे दोनों टीम आज सेमीफाइनल के दौर पर पहुंची हैं। क्या एक बार फिर रोहित शर्मा अपने बैटों से कमाल दिखाएंगे या बाबर रिजवान ही चटक जाएंगे? एक बार आपको पहले भी याद होगा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी आमने सामने हो चुकी हैं। क्या एक बार फिर आमने सामने होंगी? ऐसा तो बिल्कुल ना हो, भारत और पाकिस्तान आमने सामने भी हो, जीते भारत ही, पर गोरों के हाथ हो वो सीरीज नहीं जानी चाहिए। ये आंकड़ा जरूर बदलना चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में कमबैक किया है, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अब बाप के भरोसे नहीं रहा है। जिस तरह से लोगों में और सोशल मीडिया में कराची लैंडिंग कराई जा रही थी, कहीं भारत ही दिल्ली लैंडिंग ना कर जाए। भारत 11 साल से वर्ल्ड कप के सपने सजो रहा है, ऐसे में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला काफी मनोरंजक होगा। जीतेगा भारत ही, क्योंकि इंग्लैंड का जिस तरह से हाल ही में प्रदर्शन रहा है, उससे देखकर ही लगता है कि भारत हावी है। एक तरफ न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ पाकिस्तान, दोनों की कांटे की टक्कर होगी। क्या देख पाएंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक बार फिर आमने सामने होंगे? क्या एक बार फिर भारत वर्ल्ड कप का कप उठाएगा? परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, पर हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, क्योंकि ये वर्ल्ड हिंदुस्तान के ही एक एक्टर ने दिया है।